मैं यही बोलूंगा आपसे कि अगर आपके अंदर गट्स है, ताकत है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, देन यू कैन ऑल्सो डू यार। तो गाइज फाइनली लिफ्ट लेके मैं तुरतुक विलेज पहुंच गया, जो लास्ट विलेज है गाइज। इसके आगे एक और विलेज है लेकिन वहां तक परमिट हमारी नहीं है, वहां तक हम नहीं जा सकते। और ये हमारा लेह लद्दाख के साइड का जिस साइड रूट में मैं हूँ, ये लास्ट गांव है, मतलब तुरतुक इसको बोलते हैं। और इसके आगे आप देख रहे होंगे ये जो है ये पाकिस्तान का बॉर्डर, ये पहाड़ों के पीछे जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है। और अब हम जो है जहाँ पर हैं ये है तुरतुक, लास्ट विलेज ऑफ ले लद्दाख। मीन्स जिस रूट पे हम हैं, जिस साइड में, ये जो है लास्ट विलेज है पाकिस्तान, मतलब अपने इंडिया ले लद्दाख का। और भाई तुरतुक विलेज आने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लिफ्ट वगैरह लेने में काफ़ी दिक्कत हुई। दिक्कत भी ज़्यादा नहीं हुई यार मुझे, देखो अभी 1:30 या 2 बज रहे हैं और मैं यहाँ तुरतुक विलेज हूँ, और ऑलरेडी मैं यहाँ पर हूँ और देखता हूँ यहाँ पर मैं कितनी देर तक रुकता हूँ। और यहाँ पर नदी बह रही है, ट्रैक्टर इधर जा रहा है, तो वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो ये जो इधर पे एक नाला है, रिवर है कोई है, ऊपर से आ रही, काफ़ी क्लीन है भाई, एकदम पूरा साफ है। और ये पूरा जाके फिर नीचे वहाँ पर मिल रही है जो उसके अंदर मतलब वो नदी है, वहाँ पर पूरा मिट्टी वगैरह धूल मिट्टी मिली हुई है। तो आज की हमारी यही डेस्टिनेशन थी तुरकुट विलेज, और यहाँ पर आने के लिए काफ़ी लोग बहुत मेहनत करते हैं, भाई मैं यहाँ आ जाऊँ यहाँ आ जाऊँ, फाइनली लिफ्ट लेके भाई मैं हिचाइक करके यहाँ तक आ गया। तो आप तो आ ही सकते हो, ऑल बाय हिचाइकिंग। बहुत सारे ट्रैवलर मुझसे मिले और बोले भाई कैसे करते हो, भाई तुम भी कर सकते हो यार, करो तो एक बार स्टार्ट करो, लोग हेल्प करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत लोग यहाँ के सपोर्ट करने वाले मिलेंगे। यहाँ से ही नहीं, मुझे अभी जिन्होंने लिफ्ट दिया था वो है हरियाणा से, और मुझे उन्होंने तुरतुक विलेज तक छोड़ा, मे बी 70 किलोमीटर के आसपास उन्होंने मुझे लिफ्ट दी होगी, 70 या फिर 60 किलोमीटर इसके आसपास लिफ्ट दिया होगा। एंड उससे पहले आपको पता होगा कि मैं एक मिलिट्री वाली गाड़ी में था जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया था यहाँ तक, तो मतलब कि 20 किलोमीटर तक। उसके बाद एक कार में मुझे 15 किलोमीटर की लिफ्ट मिली, देन डायरेक्ट तुरतुक विलेज तक मुझे लिफ्ट मिली। तो भाई मैं यही बोलूँगा आपसे कि अगर आपके अंदर गट्स है, ताकत है, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, देन यू कैन ऑल्सो डू यार, तुम भी मतलब यहाँ तक आ सकते हो, लिफ्ट लेके कुछ भी कर सकते हो। और मैं अभी तुरकुट मतलब तुरतुक विलेज में हूँ भाई, नाम भी इसका बहुत ही अलग है यार, मैं नाम में थोड़ा सा वो हो जा रहा हूँ, तुरतुक विलेज नाम है इसका। और यहाँ का व्यू देखो काफ़ी अच्छे हैं, ये देखो पहाड़ों की वादियों में भाई व्यू देखो, ये देखो व्यू, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ों के बीच में एक गांव बना है। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऊपर जाऊँ, लेकिन एक आध घंटे तक मुझे इधर बैठना है, यहाँ की हवा को फील करना है, यहाँ का वेदर, यहाँ का जो भी है भाई, ये जो पानी आ रहा है ना काफ़ी साफ है। तो मैं प्लान किया कि मैं यहाँ पर एक आध घंटे बैठूँगा, उसके बाद देखता हूँ क्या करना है, वापस जाता हूँ या फिर नहीं, क्या करता हूँ। मैं आपको यहाँ का पूरा सीन दिखा देता हूँ, जहाँ पर मैं ऑलरेडी इस समय खड़ा हूँ यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो गाइज ये जो आप देख रहे हो ये तुरतुक विलेज का व्यू, और ये जो है मैं यहाँ पर अपना बैग रखा हूँ और मैं इधर चिल मार रहा हूँ, घूम रहा हूँ चारों तरफ देख रहा हूँ। और ये देखो भाई यहाँ का व्यू है, ये तुरतुक विलेज है। विलेज तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, क्योंकि विलेज जो है ये इस साइड में है, एंड ऊपर गेस्ट हाउस वगैरह बने हैं, तो भाई हमें गेस्ट हाउस में तो रुकना नहीं है, आपको पता है कि अपने पास टेंट है, तो हम लोग कैंपिंग कर लेंगे, कैंपिंग करके स्टे करेंगे। और मैं जो आया ये रूट से आया, काफ़ी दूर से हम लोग यहाँ तक मैं आया हूँ, और ये पूरा व्यू है, और मेरे सामने का ये सारा नज़ारा आप देख लो, और ये सारा व्यू है। और मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं बता रहा था, एकदम क्रिस्टल वाटर आ रहा है, मतलब कि एकदम क्लीन पूरा पानी है भाई, एकदम साफ सुथरा, और आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और मेरे आगे देखो ये जो पानी आ रहा है ना काफ़ी साफ है, आप उस पानी के नीचे भी देख, अगर स्थिर रहता तो आप देख सकते कि भाई पानी के नीचे से क्या आ रहा है। ये देखो ये भी पानी आ रहा है, पूरा क्लीन है, आप नीचे तक देख सकते हो। एंड ये वाटर देखो, आप देख के खुद बता सकते हो भाई कि ये सीन क्या है। और मेरा प्लान है कि वो लकड़ी का जो पुल आप सामने देख रहे होंगे वहाँ पर एक है, तो उधर जाने का प्लान है, उसको क्रॉस करेंगे, वहाँ पर थोड़ा घूमेंगे। ये अब इतना दूर आ गए भाई, तो तुरतुक विलेज को अच्छे से घूम लेंगे और सारा व्यू मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ का ये सारा व्यू है, यहाँ तक आ गए तो भाई पूरा तुरतुक विलेज को अच्छे से घूम लेते हैं, आज की रात यहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो आप खुद देख सकते हो, पूरा पानी के नीचे देख सकते हो, भले पानी की स्पीड काफ़ी तेज है, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आप पानी के नीचे देख सकते हो कि क्या क्या दिख रहा है, सारे पत्थर दिखेंगे। और मत इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्रिस्टल वाटर पूरा एकदम क्लियर पानी है, तो आप मतलब कि यहाँ के लोग तो पानी इसी पानी को पीने के लिए भी यूज करते हैं।
भाई मैंने आपको दिखा दिया ये पूरी पीछे का भी सीन, और वहाँ पर कुछ ट्रैवलर खड़े हैं, तो उधर चलते हैं भाई, पूछते हैं कि ऊपर का क्या सीन है और क्या कर रहे हैं वो लोग। और शायद मेरा आज का प्लान है कि मैं यहीं पर रुकूँ और देखते हैं भाई क्या करता हूँ, जो भी अपडेट होगा आपको मैं दे दूँगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको एडवेंचर से रिलेटेड एंड नई नई जगहों के बारे में वीडियो देखने को मिलेगी, और सिंचाई कैसे करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएं, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आप जगह देख रही है तुरतुक विलेज, और यहाँ पर मैं मैप आपको दिखा देता हूँ जो आप बनाया गया यहाँ पर चार्ट की, हाँ गेस्ट हाउस किधर है, होम स्टे का किधर है, रेस्टोरेंट कहाँ है, गेस्ट हाउस कहाँ है, सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। और इस साइड जो है बॉर्डर की तरफ ही हम जाएंगे।